सर इसका जो लीवर है बहुत ही ज्यादा सूजा हुआ था, बहुत ज्यादा पेन फील कर रहे थे, तो आपका क्या नाम मैंने है? इसको आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम उमेश कुमार ठाकुर है सर अच्छा, ये आपकी क्या लगती है? जी, मेरी सासू माँ है। अच्छा, हो रहा है। अच्छा, सासू माँ है ये आपकी, तो इनको कब से जी, तकलीफ चल रही थी? इनको तो तकलीफ सर चल रहा था, 3 महीना हो गया सब तकलीफ चलते हुए। अच्छा, क्या क्या इनका तकलीफ चल रही थी इनको? तकलीफ चल रहा था, पहले शुरुआत में इनका शरीर खुजलाया, खुजलाते खुजलाते इनको पेट में दर्द शुरू हो गया, जी उल्टियां आने लगी, तो यहाँ पर छोटे मोटे डॉक्टरों से इलाज चलता रहा। जी फिर इसको चले गए एक अच्छे डॉक्टर के पास, इन लोगों के नहीं संभला तो चले गए एक अच्छे डॉक्टर के पास, वहां पर इनका MRI हुआ, इनका अल्ट्रासाउंड हुआ, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन हुए, तो उसमें जो है MRI में जो है उनको कार्सिनोमा प्रोब करके इसको भेज दिया कि ले जाओ घर पे, जी इनका इलाज नहीं है मेरे पास। जी 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 तो इतने में मुझे खबर मिली तो मैं इनका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। तो ट्रीटमेंट में सर जो मैंने दिया है इनको, जी जी वो पहले पीरियड में पेन जो था, लीवर में जो सूजन था, उसके लिए मैंने इनको मेरोपेनम जो है मैं इनको देना शुरू कर दिया। जी मेरोपेनम इनको कम से कम 25 इंजेक्शन 25 दिन तक लगातार चलता रहा नॉर्मल सिलाई के साथ। जी जी उससे इनका लीवर बिल्कुल जो सूजन था, जो इन्फेक्टेड थे, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ब्लड इनका इन्वेस्टिगेशन करवाए तो उसमें इन्फेक्शन जो है बहुत कम हुआ, जी लेकिन बावजूद जो है पेशेंट जो है फैथफुल नहीं हुआ। वो जो है ट्रीटमेंट में उनको ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि मेरा पेशेंट ठीक नहीं होगा, जी तो वो कहीं दूसरे जगह ले जाने के विचार में थे। तो मैंने कहा कि रुको, आप मेरे पास और भी डॉक्टर हैं जी जहां से मैं आपको इलाज करवाऊंगा और वहीं पर आपका इलाज हो सकता है। दूसरे जगह अगर आप अंग्रेजी दवाई के ऊपर विश्वास लेकर चलिएगा तो आपको इलाज असंभव है, पेशेंट ठीक नहीं होगा। जी तो फिर मैंने आपका जो है ना नंबर में किसी तरह से जो है ना नेट के जरिए निकाला, तो फिर इतने में आपसे बातचीत हुई। जी तो अब मैं चाहता हूं कि मेरे पेशेंट को आप जो है देखें और अच्छी तरह से देखें ताकि ये लाइफ मतलब जी जी सके, और जी जी यही आशा है आपसे। और कुछ क्या कहते हैं, क्या कहे सर आपसे? अच्छा, अभी ये बताइए ठाकुर साहब कि ये जो आप 1 महीने 1.5 महीने से इलाज कर रहे हैं, ये 1.25 महीने से, इसमें इनको क्या आराम हुआ? इनको आराम हुआ है, लीवर स्वेलिंग ठीक हो गया है, बहुत सुधार हुआ है लीवर स्वेलिंग में। अब जो है पेट में गैस बॉल जो है वो हाइड्रोक्साइड है या गैस बॉल है वो राउंड कर रहा है और काफी ज्यादा पेन फील करते हैं, जी। अच्छा, अब इनको भूख और कैसे लगे? उल्टियां जो है वो बीच बीच में कभी ठीक होता था कभी आता था, तो बीच में उल्टियां जो है वो आ रहा था। तो आपसे मैंने एक सलाह ली थी, तो तमरहिंद जो है मैंने इनको दिया, तमरहिंद ने इनको अच्छा काम किया, उल्टियां जो है वो रुका है, लेकिन कभी कभी आता है उल्टियां, ज्यादा पेट में हाइड्रोक्साइड बनने के बाद ही उल्टियां आता है, नहीं तो उल्टी नहीं आता है। अच्छा, लैटिन कैसे आती है अब इनको? जी सर, लैटिन स्टूल कैसे आता है? हाँ, इनका जो है मोशन जो है पहले तो ब्लैक आता था पूरा ब्लैक, अब जो है मोशन में थोड़ा सा कलर में सुधार हुआ है। अच्छा, अब कैसा कलर हो रहा है? पीले रंग का हो रहा? अभी नहीं सर, पूरा पीला नहीं हो रहा है, अच्छा लेकिन ऐसा है कि मध्यम जो है मतलब पीला और मध्यम ब्लैक में जा रहा है सर अभी इनका अच्छा जो है अच्छा मतलब भूख जी कैसी है? मोशन। भूख 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 तो लगती है सर, जी भूख अभी भूख लग रहा था ना इनको। अच्छा, भूख जो है पहले लगता था, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट में अभी जो लेटेस्ट है वो भूख सर कम लगने लगा है। भूख अब थोड़ा बहुत मतलब लग रहा है, लेकिन बहुत कम लग रहा है भूख। अब खाने की इच्छा बोल रहा हूं तो कह रहे कि नहीं उतना इच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा, अब पेट की सूजन का क्या हाल है? जो पेट फूला हुआ था, पानी था उसमें। अब मैं आपको ये व्यूअर थोड़ा सा दबा के पेशेंट को दिखाता हूं जी और थोड़ा सा देख लीजिए सर, जी 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 दिखाइए। थोड़ा सा लेट ली तो इधर आइए। ये सर लीवर जो पोजीशन है, जी यहाँ जो मैं पहले दबाता था तो ये जी अब दबाने पे दर्द नहीं फील कर रही है, जी लेकिन क्या है ये जो नाभि है, नाभि के सीधा डायरेक्ट दाहिने तरफ नीचे में सर यहाँ जी पर जी 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 जी,
जी सर, ये अब यहाँ इनको दर्द हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर स्वेलिंग भी है, मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है मतलब गैस बॉल है कि क्या है, ये राउंडेड में सर यहाँ पर ये पेन फील कर रही है, ये देखिए ये बहुत ज्यादा पेन की कर रही है, ये देखिए, अच्छा ठीक है, ये देखिए जी। और यही गैस जो है यहाँ तक आता है और उसके बाद उल्टियां आता है इनको, और ये राउंड कर रहा है पूरा पेट में सर। जी मैं समझ गया। अच्छा, पहले से कुछ चलने फिरने में जनरल कंडीशन इनकी इम्प्रूव हुई? जी पहले से जैसे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, वीकनेस तो है लेकिन चलती फिरती है, मोशन पास करने जाती है, यूरिन पास करने जाती है, नहाती भी है, और कुछ खाने की इच्छा तो जाहिर करती है लेकिन खाती है तो फिर उल्टी आ जाता है, कुछ खाना छोड़ दिया है। हाँ, इनके ना इसमें स्टोमक में भी स्वेलिंग है, वो जो लीवर की खराबी की वजह से स्टोमक जो मैदा होता है पेट उसमें सूजन है, उसकी वजह से इनको भूख भी नहीं लग रही और वो जो मतली वगैरह भी हो रही और दर्द भी है इनको, तो अब उसकी दवा हम बढ़ाएंगे इसमें, ठीक है? जी 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 तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, MRI की रिपोर्ट आपने भेजी है? जी हाँ, ऑलरेडी मैंने आपको MRI की रिपोर्ट भेज दिया है। अच्छा, दूसरे नंबर से भेजो। अच्छा, ये अभी बता रहे हैं हमारे जो ये पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर हैं अमन, तो ये कह रहे कि अभी आपके MRI की रिपोर्ट नहीं आई और वो भेज दें अभी इसी नंबर पर MRI। रिपोर्ट अभी नहीं भेजे हैं? ना ना, अभी नहीं भेजी। क्या क्या रिपोर्ट? जिस नंबर से आपने कॉल करी है ना उस वाले नंबर पर रिपोर्ट्स भेज दीजिए, इसी जिस नंबर से कॉल। अच्छा, ये वाला जो भी मैं हाँ, कॉल कर रहा हूँ इसी नंबर पे आपको मैं दोबारा से हाँ सब मतलब रिपोर्ट भेज दें आप। रिपोर्ट भेज दो। अच्छा, पहले इनका एक तो MRI हुआ और अल्ट्रासाउंड। जी वो भी अल्ट्रासाउंड का भी रिपोर्ट है। हाँ, और जो LFT KFT हीमोग्राम वो सब रिपोर्ट भेज दें आप इनकी, ठीक है? जी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो पहले जो इनका रिपोर्ट है MRI का और उसी समय में जो इनका ब्लड जो जांच किया गया था उसका रिपोर्ट सारा मैं भेज दूंगा, और उसके बाद जो मैंने इनका ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट करने के 16वां दिन जो मैंने रिपोर्ट इनका ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाया तो वो भी रिपोर्ट मैं भेज दूंगा, तो दोनों में फर्क देख लीजिएगा, उसके अनुकूल सर आप पेशेंट को तो आपको दिखाई दिया जी, जी हाँ। और उसी के अनुकूल सर आप हमें थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए ताकि पेशेंट सर जरूर। और मैं आपको सर एक चार बताना चाहूंगा कि मैं काफी आपसे मतलब लगाव में रहता हूँ, और जब भी मैं दिल्ली में था तब तक आपसे लगाव में रहा हूँ, मस्जिदिया में कई बार आपसे मुखातिब भी हुआ हूँ, अच्छा, बातचीत भी हुई है, पेशेंट को भी आपसे दिखाया हूँ। जी जी, अच्छा, तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है जी, और ये समझिए कि एक बहुत बड़ा विश्वास है आप जी, हमारे लिए, तो बिल्कुल इंशाल्लाह थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जरूर जरूर इंशाल्लाह, आप भेज दें, मैं आज ही अभी ट्रीटमेंट दिखा दूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह करे आपका मरीज ठीक हो जाए, बिल्कुल सब ठीक हो जाए। जी 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 ठीक, आप भेज दीजिए, मैं भी हूँ, मैं देख लूंगा। ठीक जी सर, ठीक है, इंशाल्लाह ठीक हो जाए। और दिल्ली आने पर सर हम आपसे जरूर मिलेंगे, जरूर पेशेंट को एक बार व्यूअर करवाएंगे वहाँ आकर। हाँ हाँ, बिल्कुल आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। थैंक यू, ओके, जी मैं भेज कर देता हूँ, ठीक है सर।